एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रीता अपनी माँ सावित्री के साथ सड़क पर जा रही थी। वह अपने गांव से काफी दूर पहली बार इस शहर में आई थी। कुछ दूर चलने के बाद वे दोनों एक ढाबे के पास रुक जाती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद सावित्री ढाबे के मालिक के पास जाती है। सावित्री ढाबे के मालिक से बोलती है, भैया हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं, हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है, क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर ढाबे वाला बोलता है, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, ना ही मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊंगा। इस पर सावित्री कहने लगी, भैया मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मांज लूंगी, बस आप उसके बदले मुझे इतना खाना दे देना कि मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। ढाबे वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? यह सुनकर सावित्री बहुत मायूस हो जाती है और कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, रीता की पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिए। अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी, सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी, इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। सावित्री की बातें सुनकर ढाबे वाले का मन पिघल गया और उसने दोनों को वहाँ रहने के लिए दे दिया। दोनों माँ बेटी उसी ढाबे में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन ढाबे का मालिक सावित्री के पास आता और उसे कहता है, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूंगा जिसके मेरे ढाबे से खाना जाता है, उनके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है, उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। सावित्री कहती है, भैया मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन ढाबे वाले भैया कारखाने के मालिक से उन दोनों के लिए बात करते हैं। मालिक कहता है, ठीक है हमारे घर पर एक काम करने वाले की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। ढाबे वाला सावित्री उनकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है। मालिक की पत्नी सावित्री को घर का सारा काम समझा देती, साथ ही यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी रीता मेरी बेटी समायरा से दूर है, जिससे उसे किसी भी तरह की इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। सावित्री कहती है, जी मालकिन मैं सारा काम बहुत अच्छे से करूंगी, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। एक दिन सावित्री किचन में काम कर रही होती तभी रीता की चीखने की आवाज आती है। सावित्री दौड़ कर देखने जाती है, देखती है रीता ने समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी और उसको देखकर बहुत खुश हो रही है। चीखने की आवाज सुनकर मालकिन भी वहां आ जाती है और रीता के हाथ में समायरा की ड्रेस देखकर वे दोनों को डांटने लगती है और सावित्री से कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीजों को हाथ मत लगाना, उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रीता को ही दे देती और कहती, अब इस फ्रॉक को तुम्हें पहनना, यह कहते हुए गुस्से से वहां से चली जाती है। सावित्री रीता को शांत कराते हुए कहती है, बेटा मैं किसी का सामान बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। एक दिन मालकिन और सावित्री पास के बाजार में सामान खरीदने के लिए साथ में जाती है। समायरा और रीता घर पर अकेली रह जाती, वे दोनों अलग अलग खेल खेल रही होती। अचानक समायरा को चक्कर आ जाता और बेहोश हो जाती है। तभी रीता की नजर समायरा पे पड़ती है। रीता दौड़ के समायरा के पास जाती है, वो समायरा को उठाने की कोशिश करती है लेकिन समायरा की आंखें नहीं खुलती। तब रीता घबरा जाती है। रीता मदद के लिए आवाज लगाती है। रीता का आवाज सुनकर उसका पड़ोसी देखने के लिए आता है। तब रीता बोलती, देखिए समायरा को क्या हो गया, ये उठ नहीं रही है। तो उनका पड़ोसी डॉक्टर को फोन करता और समायरा को घर के अंदर ले जाता है। देरों में डॉक्टर वहां आ जाते और समायरा को एक इंजेक्शन लगाते जिससे वो होश में आ जाती है। मालकिन भी बाजार से लौट आती है और घर पर डॉक्टर को देखकर वो घबरा जाती है। समायरा की हालत देखकर मालकिन बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। समायरा की मम्मी उसके पापा को भी कॉल करके बुला लेते।
डॉक्टर उन दोनों को समझाते कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गया था और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रीता पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाते तो कुछ भी हो सकता था। वह रीता की बहुत तारीफ करते और कहते, अगर ये समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की बातें सुनकर समायरा की मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। समायरा की मम्मी रीता का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अब से दोनों बच्चे साथ में खेलेंगे, जिससे सावित्री काफी खुश हो जाती है। अब सावित्री की परेशानी और भी सुलझ जाती। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती थी। उसे अब अपने बच्चे की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रीता और समायरा सारा समय साथ साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन में कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उनका डटकर सामना करना चाहिए।